हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडीज करंट और फोकॉल्ट करंट। फोकॉल्ट करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एडी करंट के बारे में 1895 में एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? फोकॉल्ट। इसलिए इनको क्या कहते हैं? फोकॉल्ट करंट भी कहते हैं, एडी करंट। देखो एडी करंट क्या होते हैं, अभी तक हमने जैसे कि डिस्कस किया था फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट करंट इज इंड्यूस्ड। कंप्लीट चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट या विद द हेल्प ऑफ करंट या करंट कैरिंग कोइल की हेल्प से करंट है वो इंड्यूस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट है फोकॉल्ट, उसने क्या बताया कि अगर एक बल्क पीसेज ले लिया जाए, मीन्स एक एक अगर कंडक्टर ले लिया जाए, तो एक कंडक्टर के इंटीरियर भी, मीन्स एक कंडक्टर के अंदर भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है तब करंट इंड्यूस होता है। क्योंकि अभी तक हमने यही तो पढ़ा था कि एक कोयल के अंदर भी करंट इंड्यूस कब हो रहा था, जब मैग्नेटिक फील्ड या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे या डिक्रीज कर रहे थे, तभी करंट इंड्यूस हो रहा था। तो एडीज करंट भी वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एडी करंट है वो भी इंड्यूस करंट ही है, लेकिन ये एक कंडक्टर के इंटीरियर की बात कर रखी है, एक कंडक्टर के अंदर की बात कर रखी है कि कंडक्टर के अंदर किस प्रकार से इंड्यूस करंट है वो प्रोड्यूस होता है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को जब चेंज किया जाए, इसलिए उनको क्या कहते हैं? एडी करंट। देखो एडी करंट के पीछे एक रीजन और भी है कि जैसे कि अभी आपको बताएंगे इसमें कि एडी नाम क्यों दिया गया है। कि जैसे कि क्या होता है कि एक पत्थर है, एक पत्थर को जैसे कि पानी के अंदर फेंकते हैं तो इस तरह से विरिलिंग सी बन जाती है। इस तरह से क्या बन जाती है? विरिलिंग सी बन जाती है, मीन्स एडीज इस तरह से बन जाती है ना आपके पास, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं। तो देखो ये एडी करंट क्या होते हैं हमारे पास, करंट इंड्यूस्ड इन, देखो है तो वही आपके पास एडीज करंट आर द, एडी करंट आर द करंट इंड्यूस्ड इन, करंट इंड्यूस्ड इन बल्क पीसेज ऑफ कंडक्टर। बस थोड़ा सा डिफरेंस है उन करंट्स में और इस करंट में, क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां पर हम एक कंडक्टर की बात करते हैं और उसमें हम किसकी बात क्या करते थे कि कोयल की बात करते थे। तो एडी करंट क्या होते हैं? करंट इंड्यूस्ड इन बल्क पीसेज ऑफ ए कंडक्टर वह अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेस। क्योंकि वहां पर भी आपके पास क्या था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे थे तभी करंट इंड्यूस हो रहे थे। तो ये भी आपके पास क्या है कि करंट इंड्यूस इन बल्क पीसेज ऑफ कंडक्टर वह अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द कंडक्टर इज चेंज, लिंक्स विद द कंडक्टर इज चेंज्ड, उसको हम क्या कहते हैं? एडीज करंट कहते हैं। तो समझ में आया होगा बेटा कि एडीज करंट, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये हमारे पास जो करंट इंड्यूस होते हैं इंड्यूस करंट ही है। जैसे कि इंड्यूस करंट हमारे पास, जो इंड्यूस करंट, करंट क्या होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ इजिकल टू आई आर, लेकिन यहाँ ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अब जो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ रखा है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है? -d∅dt और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है? R। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडीज करंट की बात करें तो करंट देखो वही आपके पास इंड्यूस ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, मीन्स -d∅dt/R। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, करंट इंड्यूस इन बल्क पीसेज ऑफ कंडक्टर व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द कंडक्टर इज चेंज, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडीज करंट कहते हैं। ठीक है बेटा, नाम आपको बताया अभी फोकॉल्ट ने, फोकॉल्ट इसलिए पढ़ा क्योंकि फोकॉल्ट ने ये बताया था 1895 के अंदर, इसलिए इनको फोकॉल्ट कहते हैं। अभी आपको बताया कि ये जो एडीज है ये जस्ट उसी तरह से रिसम्बल करते हैं जैसे कि वोटर के अंदर होती है जो व्रिल सी बन जाती है ना, कि जैसे कि पत्थर डालते हैं तो इस तरह से ऐसे ऐसे व्रिल सी बन जाती है, जो वेव्स में भी हमने पढ़ा था। तो इसमें जो इस तरह से ऐसे
रिल सी बन जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एडीज कहते हैं, क्योंकि जस्ट रिसम्बल रिलिंग इन एडीज ऑफ वॉटर, उसी तरह से रिसम्बल करती है। कैसे करती है देखो, जैसे कि मान लीजिए किस प्रकार से ये प्रोड्यूस होती है, मीन्स किस प्रकार से करंट है वो इंड्यूस होता है इन बल्क पीसेज ऑफ कंडक्टर के अंदर। तो क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं, तो जैसे कि एक मेटल ब्लॉक ही ले लिया, या कोई भी एक मेटल ब्लॉक ले लिया, क्या हमारे पास एक कंडक्टर है, मेटल ब्लॉक है, मीन्स मेटल का एक टुकड़ा ले रखा है, तो मेटल इज ए गुड कंडक्टर, तो एक कंडक्टर है या, समझ में आया बेटा। अब देखो इसको जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, क्योंकि अभी आपको क्या कहा कि करंट इंड्यूसिंग बल्क पीसेज ऑफ कंडक्टर व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द कंडक्टर इज चेंज। तो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अप्लाई करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए बोला है कि जैसे कि मान लीजिए इररेगुलर शेप का है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या जनरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हैं। मीन्स ये भी कह सकते हैं कि व्हेन ए मेटल ब्लॉक इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, किसमें रखा उसको, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अच्छा देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ऐसे दी है, इट मीन्स ये नॉर्थ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ पे टर्मिनेट होती है, इट मीन्स ये हमारे पास साउथ पोल है। और जब साउथ है तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, या हमारे पास जैसे कि थर्ड यूनिट में भी हमने पढ़ा था। देखो तो इसमें जो करंट से है, जैसे अभी आपको बताया, इस तरह से प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो, जब ये साउथ पोल है तो करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी में आ जाएगी, क्लॉकवाइज में। देखो ऐसे मूव करेंगे, क्योंकि जब साउथ पोलरिटी है तो ये हम पढ़ चुके हैं ना कि जब साउथ पोलरिटी है तो करंट है वो एक स्टेट कंडक्टर के अंदर, जैसे कि क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा, और जो करंट की डायरेक्शन होगी ना इंड्यूस्ड होगी वो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से करंट है वो इंड्यूस होते हैं, जैसे कि इसी तरह से रिसम्बल करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया ना कि एडीज इन वॉटर में जैसे पत्थर डालने से भी ऐसे ऐसे बन जाती है, इसलिए इनको किसका नाम दिया गया है, एडी करंट का नाम दिया गया है। तो ये करंट इंड्यूस्ड ही है। इसको और समझाने के लिए इसका एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि किस प्रकार से करंट इंड्यूस होता है, फिर इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो एडीज करंट को और ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट क्या है, जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखो जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, किसके लिए हम क्या लेते हैं, एक सिलेंड्रिकली शेप का लेते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं। तो उसके लिए क्या कर लिया, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपको बताया भी था कि जैसे कि जो सोलेनोइड्स होते हैं उनके अंदर जब करंट की सप्लाई करते हैं तब तक वो किस तरह से बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, या 10th क्लास में आप पढ़ भी चुके हो इसके बारे में ना। तो जैसे कि ये जो सिलेंड्रिकली शेप में इस तरह से ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इसी के ऊपर ना एक मेटल डिस्क लगा रखी है, मीन्स जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट, किस तरह से एडीज प्रोड्यूस होते हैं। जैसे वो आपके पास एक जस्ट लाइक हम ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे कि सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर दूध रखा हुआ, क्योंकि दूध के अंदर बहुत अच्छा सा उबाल सा आता है ना, और उसके ऊपर प्लेट रखी है, एकदम से ऐसे वो ऐसे जंप कर जाती है प्लेट ना, जस्ट उसी तरह से। तो ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क ले लिया हमने। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्म में लिया है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आपको बताया ना कि जब तक करंट की सप्लाई करते हैं तो इस तरह से ये भी आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनोइड है जो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब तक करंट की सप्लाई करते हैं तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जैसे ही स्विच ऑफ किया तो अपनी सारी प्रॉपर्टीज को लॉस कर देती है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा ली, एक की लगा ली, जैसे की लगा ली फर्स्ट, इस की को क्या कर रखा है, ओपन। की का सिंबल आप कैसे भी दे सकते हो बेटा, ऐसे भी दे सकते हैं जैसे आपकी इच्छा, तो ये की ले ली, ठीक है बेटा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस तरह से ऐसे करंट है वो फ्लो करेगा। अब देखो जंपिंग डिस्क एक्सपेरिमेंट ये क्या है, किस प्रकार से एडीज प्रोड्यूस होती है। तो देखो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इनिशियली ये नॉर्थ पोलरिटी हो जाएगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, साउथ पोलरिटी। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो हम किसके द्वारा देते हैं, एक तो लेंज लॉ के द्वारा देते हैं, दूसरी हम किसके द्वारा बताया था आपको, फ्लेमिंग राइट एंड रूल।
तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो हम दो के द्वारा बता सकते हैं, एक तो लेंज लॉ के द्वारा और दूसरा हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग राइट एंड रूल। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि किस प्रकार से करंट है वो इंड्यूस होता है। तो इनिशियली नॉर्थ पोलरिटी है और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो ये डिस्क है ये इसको क्या करता है, अपोज करता है ना लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो यही था और वही हमारे पास क्या था, कोज ऑफ इंड्यूस करंट था। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डिस्क है ना इसकी लोअर है वो नॉर्थ पोलरिटी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ और ये इसकी क्या आ जाएगी, साउथ पोलरिटी, क्योंकि अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स को। तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और जैसे देखो स्टार्टिंग में क्या है कि जब की को की ओपन है तो करंट जीरो है, जैसे की को क्लोज किया, की को क्लोज करने से करंट है वो जीरो से, करंट है वो जीरो से मैक्सिमम हो जाएगा। की को क्लोज रखेंगे तो करंट है वो जीरो से मैक्सिमम हो गया, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्स विद द कंडक्टर, वो क्या हो गया हमारे पास इंक्रीज हो गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से क्या होगा, इंड्यूस करंट है वो प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस करंट में भी आपको बताया था जो नेगेटिव साइन का मतलब क्या था, इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इनिशियली जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर क्योंकि करंट है वो हमने सेल को इस प्रकार से लगा रखा है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो डिस्क है उसका लोअर फेस है वो नॉर्थ पोल एक्वायर करेगा और अपर फेस साउथ करेगा। तो यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ के बीच में रिपल्सन होगा जिसके कारण जो डिस्क है वो क्या कर जाएगी, फ्लाई कर जाएगी, मींस जंप कर जाएगी। तो इस तरह से एडीज करंट है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसके अभी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं तो उससे और आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एडीज वैसे समझ आ गया होगा कि करंट इंड्यूस इन बल्क पीसीज ऑफ कंडक्टर व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द कंडक्टर इज चेंज, उनको हम क्या कहते हैं, एडीज करंट कहते हैं। और ये जस्ट उसी तरह से रिसेंबल करते हैं जैसे कि वोटर के अंदर एडीज होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एडीज बोलते हैं और फोकर्ड समझ में आ गया होगा। तो अभी एप्लीकेशन ऑफ एडीज करंट की बात करते हैं कि क्या क्या इनके यूजेज है, एप्लीकेशंस ऑफ एडीज करंट, कि एडी करंट है उसके क्या क्या एप्लीकेशन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। देखो यहां पर इसके अंदर हम कैसे यूज करते हैं एडीज करंट का, क्या यूज है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो देखो डेड बीट गैल्वेनोमीटर या इसको हम ये भी कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, क्या बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, या क्या कहा आप, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, बीट मींस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग या इसको क्या कह रहे हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो ये आपने पढ़ा ही था, क्या पढ़ा था कि जब करंट गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं कि जब करंट पास कर रहे थे तो करंट, जैसे ही स्टडी करंट पास कर रहे थे तो जो गैल्वेनोमीटर था उसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा था, मींस जब स्टडी करंट पास करते हैं कोई लोग गैल्वेनोमीटर में तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। पढ़ा था हमने कि जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के, जितना ज्यादा करंट सप्लाई होगी उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा था। तो क्या था कि जो नॉर्मली जो कोयल है वो ऑसिलेट करती है अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मींस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या करेगी, जो कोयल्स है वो ऑसिलेट करती रहती है, और जब ऑसिलेट करती है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रीडिंग आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि जो सुई है वो इधर से उधर घूमती रहती है। तो इस डिले को अवॉइड करने के लिए, समझ में आ रहा ना बेटा, क्या बताया कि जब करंट पास करते हैं, व्हेन करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, काफी इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है क्योंकि कई बार यही पूछ लिया जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो जब करंट को पास करते हैं थ्रू द कोयल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, कोयल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, देन इट ए डिफ्लेक्ट, देन इट ए डिफ्लेक्ट, तो वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। और ये जब डिफ्लेक्ट होती है तो जो कोयल है वो क्या करती है, ऑसिलेट करती है अबाउट इट्स पोजिशन। नॉर्मली जो कोयल है वो ऑसिलेट करती है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले वो ऑसिलेट करती है। और इस डिले को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इस तरह से अगर वो ऑसिलेट करती रहेगी तो हमें देखना पड़ेगा कि जब वो रेस्ट में आएगी तब उसकी रीडिंग लेंगे। तो इस डिले को अवॉइड करने के लिए ना
ये जो डिले है कि भाई इतना टाइम लगेगा कि कब वो रेस्ट में आए कब रीडिंग लिया, तो इस डिले को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जो कोयल है उसको वाउंड कर दिया जाता है, किससे किया जाता है, ताकि एडीज करंट है वो प्रोड्यूस हो जाए नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम से, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम से उसको वाउंड कर दिया जाता है, और जब उसको वाउंड करते हैं तो एडीज करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, और एडीज करंट क्या बताया, करंट इंड्यूस इन बल्क पीसीज ऑफ कंडक्टर, तो जस्ट एक कंडक्टर था, और एडीज करंट क्या करते हैं, अपोज करते हैं, तो जो अभी आपको बताया कि जो नीडल है जैसे ही करंट की सप्लाई होती है तब उसी टाइम पर वो रेस्ट में आ जाती है, और रेस्ट में आने से फिर हम रीडिंग है वो नोट कर लेते हैं, तो इस डिले को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक जो फ्रेम है उससे वाउंड कर दिया जाता है कोइल को, और वो इंस्टेंटली जैसे ही करंट पास करते हैं वो इंस्टेंटली रेस्ट में आ जाती है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, और इजिली से उसकी रीडिंग हम नोट कर लेते हैं, समझ आया बेटा। सेकंड हमारे पास क्या है, इंडक्शन फर्नेस एप्लीकेशन ऑफ हेडिंग करंट में आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे कि मान लीजिए किसी पे भी पूछ लिया जाएगा, या राइट एनी टू एप्लीकेशन इस तरह से भी पूछ लिया जाए, इंडक्शन फर्नेस, या जैसे कि मान लीजिए यही पूछ लिया जाए, व्हाट डू यू मीन बाय, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस जैसे जानते ही है भट्टी होती, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी अलॉय बनाना है ना, जैसे इस तरह से भट्टी ले ली हमने, कंडक्टर है, किस प्रकार से क्या किया, मेटल ले ली, जैसे बहुत सारे मेटल, जैसे कोई भी अलॉय बनाना है प्रिपरेशन के लिए, अलॉय की प्रिपरेशन के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इंडक्शन फर्नेस का यूज कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसी पास करवाया जाता है, इंडक्शन फर्नेस का जो यूज है वो क्या है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के लिए, पहले तो क्या करते हैं कि जब हाई टेम्परेचर होगा तभी जो मेटल्स हैं वो आपस में मेल्ट होंगी, और मेल्ट होने के बाद में कोई भी एलॉय बनेगा, मिश्र धातु जिसको बोलते हैं, तो यहाँ इसका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस ए हाई टेम्परेचर, और जो हाई टेम्परेचर है वो जो कंसिस्ट मेटल्स हैं उनकी मिक्सिंग करके अलॉय के प्रिपरेशन के लिए, मीन्स इट इज यूज्ड फॉर ए प्रिपरेशन ऑफ अलॉय, प्रिपरेशन ऑफ ए अलॉय, और अलॉय हमारे पास क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ मेटल, कि जो मेटल है ना उनकी क्या कर देते हैं, मिक्सिंग ऑफ ए मेटल्स, मेटल को क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, तो जो मिक्सिंग होती है ना मेटल्स की उसको हम अलॉय कहते हैं, और ये करने के लिए क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर का यूज, मीन्स हाई टेम्परेचर होगा तभी आपस में मिक्सिंग होगी, मीन्स वो मेल्ट होके एक दूसरे को मिक्स करेंगे, तो उसके लिए हाई स्ट्रॉन्ग एसी करंट है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, और एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं ओवर द कोयल के अंदर, तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा जो कि सफिशियंट होगा मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, इसलिए यहां पर भी कि स्ट्रॉन्ग एसी करंट प्रोड्यूस करने से, मीन्स वही हो गया ना करंट कैरिंग कंडक्टर, तो स्ट्रॉन्ग एसी करंट या हाई एसी करंट प्रोड्यूस करने से एडीज करंट है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और एडीज करंट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर हाई हो जाता है, मीन्स वो अपोज करते हैं ना, जैसे जहां पर भी अपोज करता है कोई भी फ्लो के लिए तो वहां पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, जैसे रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इस तरह से इंडक्शन फर्नेस है उसमें यूज करते हैं। एक है आपके पास ये काफी ज्यादा आपको पता भी होगा शायद इसके बारे में, तो मैग्नेटिक ब्रेक, मैग्नेटिक ब्रेक, तो मैग्नेटिक ब्रेक्स हैं वहां पर भी, ये भी एप्लीकेशन है एडीज करंट, कैसे है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती है, जैसे कि जो देखी होंगे आपने इलेक्ट्रिक, और लगभग आप तो कन्वर्ट भी उसी में कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती है उनमें क्या होता है कि जस्ट अबो द रेल्स, रेल्स में जो पटरी कि जो जस्ट अबो द रेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट सिचुएटेड होते हैं ट्रेन के अंदर, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सिचुएटेड होते हैं ट्रेन के अंदर, और जैसे ही ब्रेक लगाए जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रेन के अंदर ब्रेक है वो बहुत ही स्मूथली ब्रेक लगते हैं, चाहे कितनी भी हाई स्पीड के अंदर ट्रेन चल रही हो एकदम से ब्रेक कभी नहीं लगते ना, वो इसलिए नहीं लगते क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, अगर बिल्कुल भी गैप ना हो तो एकदम से ब्रेक लग जाए, तो क्या होता है यहाँ पर स्मूथली ब्रेक लगते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो जस्ट अबो द रेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो लगे होते हैं ट्रेन के अंदर, कौन सी ट्रेन के अंदर की बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल रही है उनकी बात करें, तो जैसे ही ब्रेकिंग एक्शन लगाई जाती है, तो ब्रेकिंग एक्शन लगाने से क्या होता है कि जैसे कि वो पटरी मेटलिक
और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उनके बीच में एडीज करंट है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, मीन्स करंट इंड्यूस हो जाता है, और करंट इंड्यूस होने से वो अपोज करता है फ्लो को, और अपोज करने से फिर ब्रेक है वो बिल्कुल ऐसे स्मूथली लगते हैं और थोड़ी देर बाद में फिर वो ट्रेन है वो आगे जाके रुक जाती है। तो समझ में आया होगा बेटा कि मैग्नेटिक ब्रेक है वो किसमें है, जो इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन होती है, ठीक है ना, तो उनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सिचुएटेड होते हैं जस्ट अबो द रेल्स, और जैसे ही ब्रेक लगाए जाते हैं तो करंट है वो इंड्यूस हो जाते हैं इन रेल में, जो कि अपोज करते हैं मोशन ऑफ ए रेल्स, जो सॉरी मोशन ऑफ ए ट्रेन, या मोशन ऑफ जैसे जो टायर्स है उनको क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, जिसके कारण ट्रेन है वो स्मूथली ब्रेक लगते हैं, ये चीज ध्यान रखना, और फिर ट्रेन है वो आगे जाके रुक जाती है। तो समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक ब्रेक। एक है जो कि घर के अंदर जो मीटर होते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स होते हैं ना, जैसे पहले वाले मीटर्स थे किसी के घर में अभी भी होंगे, लेकिन अब थोड़े डिजिटल वाले आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। तो देखो इनमें क्या था, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में जैसे कि आपने देखे होंगे जो पहले के जो मीटर्स है उनमें एक साइनिंग डिस्क ऐसे रोटेट करती हुई नजर आती है, कि जैसे वो डिस्क कब रोटेट करती है, जब लाइट आती है मीन्स करंट पास कर रहे हैं, तो जो करंट पास करते हैं, और अभी वही हो गया कि करंट पास करने से क्या हो गया, एक डिस्क होती है और डिस्क है वो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने से जो साइनिंग डिस्क है वो ऐसे रोटेट करती हुई नजर आएगी ना, वो जितनी ज्यादा रोटेट करेगी उतने ही ज्यादा फिर जो बिल निकल जाता है, मीन्स उतनी ही ज्यादा एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है। तो इस तरह से जो ये, और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कि मान लीजिए ये मीटर है और यहाँ जैसे साइनिंग डिस्क है वो ऐसे रोटेट कर रही है, और इस मीटर के ऊपर ऐसे मैग्नेट रख देते हैं, तो ये डिस्क रोटेट करना बंद कर देती है ना, क्योंकि अभी क्या कहा था आपको, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम की बात कर रहे थे ना, क्योंकि वो क्या कर देता है इस डिस्क के, जैसे कि जो चोरी करने के लिए ना, जैसे पहले जो मीटर थे उनमें चोरी करने के लिए लाइट के लिए क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को रख देते थे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसे कि स्टील की मैग्नेट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, उस मैग्नेट को जब इसके ऊपर रख देंगे तो ये अपोज कर देगी बिल्कुल ही मोशन को, और बिल्कुल ही मोशन को अपोज करने का मीन्स ये डिस्क रोटेट करना बंद कर देगी, मीन्स मीटर बंद हो जाएगा, कोई रीडिंग नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर है ये भी बेस्ड है किसके ऊपर, एप्लीकेशन है मीन्स इसमें भी हम यूज करते हैं किसका, एडीज करंट का। और भी है हमारे पास लेकिन इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि ये जो इंडक्शन मोटर ही होती है, मोटर के अंदर जो रोटेटर होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एडीज करंट प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण रोटर है वो रोटेट करता है। तो ये भी हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ए एडीज करंट। अब क्वेश्चन पेपर जैसे ये पूछ लिया जाता है कि ये तो एप्लीकेशन है यूजेज है, तो क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेज है, मीन्स जैसे कि मान लीजिए ये पूछ लिया जाता है कि अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है, अनडिजायरेबल क्योंकि हर चीज के क्या होती है डिसएडवांटेजेज भी होती है ना, तो अनडिजायरेबल जो इसके इफेक्ट है या हम ये भी कहते हैं डिसएडवांटेजेज है वो क्या क्या। तो देखो पहले तो अभी आपको स्टार्टिंग में यही बताया कि ये क्या करती है, अपोज करती है, तो दे अपोज द रिलेटिव मोशन, मोशन को ही अपोज कर रही है, मेन तो यही है ना, दे अपोज द रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन है उसको अपोज कर रही है। दूसरा, जब रिलेटिव मोशन को ये अपोज कर रही है तो इट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इट इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी, इन्वॉल्व लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ ए हीट, कि हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है। थर्ड देखो, जब ये अपोज करती है तो क्या होता है, जैसे जस्ट फ्रिक्शन अपोज करता है तो एक्सेसिव हीटिंग है वो ब्रेक कर देती है, एक्सेसिव हीटिंग है ना, एक्सेसिव हीटिंग ब्रेक द इंसुलेशन, एक्सेसिव हीटिंग ब्रेक द इंसुलेशन, इंसुलेशन है ना, जैसे कि मान लीजिए जो भी यूज कर रहे हैं उनको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, मीन्स उनकी जो लाइफ है ना वो रिड्यूस हो जाती है, जैसे फ्रिक्शन से हो जाती है, उसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। तो इट मीन्स इंसुलेशन इन द एपिलियंस, जैसे कि मान लीजिए जो भी एपिलियंस है हमारे पास उनकी ये कह देंगे दे रिड्यूस देयर लाइफ, उनकी लाइफ को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो ये हमारे पास क्या है, अनडिजायरेबल इफेक्ट है। तो कई बार कुछ ना पूछ के एडीज करंट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर टाइम, लेकिन जैसे कि मान लीजिए एप्लीकेशन या एडीज करंट के बारे में ना पूछ के उसके अनडिजायरेबल इफेक्ट ही पूछ लेते हैं। तो समझ में आया बेटा। अब देखो जब अनडिजायरेबल इफेक्ट है तो इट मीन्स हमें एडीज करंट को मिनिमाइज करना पड़ेगा,
क्योंकि हर एक में हम करंट पास कर रहे हैं और करंट की हेल्प से जैसे जो भी एपिलियंस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं तो उनमें तो करंट की सप्लाई हो रही है। और इस तरह से ही अगर मान लीजिए रिड्यूस करेंगे लाइफ को उनके एपिलियंस के तो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएंगे वो, तो इसलिए क्या करते हैं उन एडीज करंट को मिनिमाइज भी करते हैं ना। तो एडीज करंट है उनको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम आगे पढ़ेंगे डायनमो या एसी जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है, तो या ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे, इसी के लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। एसी जनरेटर पढ़ा लिया आपने, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। एसी जनरेटर या क्या कहते हैं डायनमो, तो इनमें क्या करते हैं कि एडीज करंट को मिनिमाइज करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर या जो मेटल कोर होता है ना इनके अंदर, वो किसकी फॉर्म में लिया जाता है, सीड की फॉर्म में लिया जाता है। जो मेटल कोर होता है वो थिन सीड की फॉर्म में लिया जाता है। सीड का मतलब जानते हो ना, जैसे इस तरह से ऐसे ऐसे सीड की फॉर्म में लिया जाता है, ऐसे सीड की फॉर्म में। तो देखो क्या करते हैं उनमें, ऐसे सीड की फॉर्म में एडीज करंट को मिनिमाइज कैसे कर लेते, बाद में उनको ज्वाइन कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, जैसे कि जो भी मेटल कोर इसके अंदर यूज कर रहे हैं ना, उसको पहले कट कर लेते हैं सीड की फॉर्म में, फिर उनको ज्वाइंट कर देती हैं। और जो सीड की फॉर्म में कट करते हैं ना, उसको भी बाउंड कर देते हैं किससे, इंसुलेटिंग से, इंसुलेटिंग से, ताकि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना पाए वो, बस एक उनको ज्वाइंट कर देते हैं, ऐसे सीड की फॉर्म में होती है। और बाद में क्या करते हैं, जो कट करते हैं ना उनको भी, इस सीट है ना उसको इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड किया जाता है फ्रॉम अदर से, बाकी दूसरी से उसको इंसुलेटेड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए एक जो लैक्वर है ना सब्सटेंस है, उसका भी यूज करते हैं इसको इंसुलेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखो जब इस तरह से थिन सीट के फॉर्म में लेंगे और दूसरे एक दूसरे को इंसुलेटेड करते हैं ना, तो अपना खुद खुद का एडीज करंट हो जाता है उनका, हर एक मेटल जो सीट है ना उसका खुद का ही एडीज करंट होता है, और खुद का अपना अकेले अकेले का एडीज करंट है वो कमी होगा एक ज्वाइंट की बजाय। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जैसे कि जो हमारे पास है, जब जनरेटर की बात करते हैं या जो डायनमो की बात करते हैं, तो उनके अंदर जो मेटल कोर यूज करते हैं ना पिलियंस के अंदर इनके अंदर, तो उनको थिन सीट की फॉर्म में लिया जाता है। और जब थिन सीट की फॉर्म में लेंगे और दूसरा उनको जो हर एक सीट है उसको इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड कर देते हैं अदर से बाय इंसुलेटिंग मटेरियल का, जैसे कि यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल है वो लैक्वर भी यूज कर लेते हैं, फिर उस जो सीट जिस जैसे कट कट की थी ना उनको फिर इस तरह से अरेंज कर देते हैं, और अरेंज करने से उनका अपना खुद का ही एडीज करंट होता है, मीन्स अपना अपना खुद खुद का एडीज करंट होता है। और जैसे एक सीट का एडी करंट है वो कंप्लीट की बजाय तो कम ही रहेगा ना, हर एक का अपना अपना थोड़ा थोड़ा रहता है, इसलिए इस तरह से क्या करते हैं एडीज करंट को मिनिमाइज कर लेते हैं। क्योंकि नहीं तो जो अपीलियंस है जिसके अंदर, क्योंकि सभी अभी आपको बताया था अपीलियंस के अंदर इस तरह से एडीज करंट अगर ऐसे ही प्रोड्यूस होते रहे तो उनकी लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स बार बार में हमें यूज करने पड़ेंगे, वो नए लेके आने पड़ेंगे। तो इस तरह से एडीज करंट है उनको मिनिमाइज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में देखने से समझ में नहीं आता तो बेटा आपके पास वीडियो होती है, आप दो बार तीन बार देखा करो, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे बताया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।